जयति जय जय माँ सरस्वती, जयति वीणा वादिनी माँ। जयति जय जय माँ सरस्वती, जयति वीणा वादिनी माँ। जयति पद्मा आसना माँ, जयति शुभ वरदायिनी माँ। जयति पद्मा आसना माँ, जयति शुभ वरदायिनी माँ। जगति का कल्याण कर माँ, जग में फिर से धारिणी माँ। जगति का कल्याण कर माँ, जग में फिर से धारिणी माँ। जयति जय जय माँ सरस्वती, जयति वीणा वादिनी माँ। आप सभी को बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। कल है बसंत पंचमी और की जाती है सरस्वती माँ की पूजा, जो है विद्या की देवी। तो आप सभी को बसंत पंचमी मुबारक हो। मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं बसंत पंचमी लुक अपना दिखाऊंगी, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां हो गई कि मैं उस जो मैंने अपने लहंगे को मंगाया था वो मैं पहन ही नहीं पाई। अगर मुझे मौका मिला कल पहनने का, क्योंकि कल बसंत पंचमी है, तो मैं उसकी कोई शॉर्ट वीडियो अपना बसंत पंचमी लुक करके डाल दूंगी। और नहीं कर पाई तो कोई बात नहीं, कोशिश करूंगी कि मैं शॉर्ट वीडियो उस लुक में डाल। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं आपकी दोस्त दीपिका फ्रॉम उत्तराखंड। हॉस्पिटल से मैं आ गई थी, लगभग 8 बजे आई थी। आज जब मेरे हस्बैंड लेट आए थे और मेरी भी रात को तबीयत कुछ गड़बड़ सी हो रही थी, रात को 12 बजे डॉक्टर सर आए, तब तक मैं जगी बैठी रही। उसके बाद बहुत देर तक नींद नहीं आई, तो अजीब सा हो गया। सुबह मुझसे उठा ही नहीं जा रहा था। जैसी चाय पी तो मुझे एसिड सा बनने लगा, ऐसा लगता अब वॉमिट होगी अब होगी। बड़ी मुश्किल से मैं नॉर्मल हुई। फिर घर आई, बस झाड़ू पोछा लगाया है, गर्भ की रीडिंग है तो उसे रीड करवाया। जैसे तैसे कर तो अच्छी नहीं रहा है, लेकिन फिर भी एक बार मैंने चैप्टर रीड कराया और 10 बज चुके। पता नहीं मैडम ऑनलाइन क्यों नहीं आ रही, मुझे लगा नेटवर्क इश्यूज हो रहे हैं तभी मैडम ऑनलाइन नहीं आ रही हैं। वैसे भी स्कूल खुल चुके हैं, मैडम 6 को भी पढ़ाती, या तो हो सकता है फर्स्ट क्लास में उन्हें इतना टाइम लग गया तो बच्चे गप्पे मारने में लगे हुए हैं। मैंने उससे कहा थोड़ा सा रीड तुम और कर लो, तो मैं कहा तब तक मैं थोड़ी सी बातें आपसे कर देती हूँ। आज मम्मी डिस्चार्ज हो रही हैं, पता नहीं कितने बजे तक होंगी। अभी मेरे हस्बैंड आएंगे, थोड़े पेपर वर्क करने हैं और जो फी जो वहाँ का बिल है वो पूरा सबमिट करना है, करेंगे। क्रिटिकल तो मम्मी है ही, पहली बार भी लगा सही हो जाएंगी, फिर दोबारा एडमिट हो गई, दूसरी बार लगा शायद सही हो जाएंगी, फिर तीसरी बार एडमिट हो गई। हर बार प्रॉब्लम बढ़ती जा रही। पहली बार बिना ऑक्सीजन के रखा, सेकंड बार में हमने ऑक्सीजन में रखा, उसके बाद ही हालत हो गई। अब की यार ऑक्सीजन है और इसके अलावा बाईपैप भी लगाया जा रहा है बीच बीच में, तो आपकी यार तो और क्रिटिकल है। इन्फेक्शन सही हो ही नहीं पा रहा है, पता नहीं कैसे सही होगा, समझ नहीं आ रहा है। या तो जिसका जितना दाना पानी होता है वो इतना जीता ही है। बस ये है कि अपनी विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए। और फिजियोथेरेपी पहले हम नहीं कराए, हम लोगों ने नहीं कराई, हो सकता है फिजियोथेरेपी से कुछ फ़र्क पड़ जाए। इस बार फिजियोथेरेपी दोनों टाइम हो रही मम्मी की, तो अब देखते हैं, सब भगवान के हाथ में है कि क्या होता है। देखिए लाइट चली गई, इन्वर्टर स्टार्ट हो गया और मैंने रॉड जला रखी थी, और इन्वर्टर से रॉड नहीं जलती है। तो चलिए अब मैं घर की भी लाइट जलाती हूँ, क्योंकि वहाँ अंधेरा हो गया होगा। ऑनलाइन क्लास में सब बच्चे बैठे हुए हैं, पता नहीं मैम क्यों नहीं आ रही हैं। तो चलिए फिर जब मैं हॉस्पिटल जाती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। हॉस्पिटल आ गई थी, आज मैं आई हूँ अपने हस्बैंड के साथ कार में, क्योंकि मम्मी को कार से ही लेके जाएंगे। और स्कूटर से अगर मैं आती तो फिर प्रॉब्लम हो जाती कि स्कूटर कैसे जाए। पहले थोड़ी देर के लिए भैया आ गए थे, फिर जब मैं आ गई तो मैंने भैया से कहा आप घर चले जाइए, और ये डिस्चार्ज की तैयारी कर रहे हैं, दवाइयाँ ले रहे हैं, 1 वीक की दवाइयाँ दे रहे हैं डॉक्टर। उसके बाद पूछेंगे कि टेस्ट क्या कराने हैं या क्या दिखाना है। बस मैंने मम्मी को अभी खाना खिलाया और खुद भी खाना खाया है। अभी मम्मी चेयर में बैठी हुई हैं, लगता है मम्मी को अच्छा रहा, घर जा रही हूँ। खैर तबीयत तो बहुत अच्छी नहीं कहेंगे, है तो इन्फेक्शन है ही, लेकिन कब तक हॉस्पिटल में रहा जा सकता है कि इतना हो गया है कि घर जाने लायक हो गई हैं और डॉक्टर को दिखाते रहेंगे। आगे फिर भगवान शो करता है। अपनी ओर से तो हम अपनी ओर से सेवा करने में लगे ही हैं, कोशिश कर रहे हैं कि माँ जितनी जल्दी हो सके सही हो जाए। ये देखिए बैठी हुई है मम्मी, आज कश्मीरी स्टाइल मम्मी को स्कार्फ बना दिया है, जो मम्मी की स्पंजिंग वगैरह करती हैं, और मुझे मम्मी अलग ही लग रही हैं बिल्कुल। बस हम वेट करने में लगे हुए हैं कि कब पेपर वर्क कम्प्लीट हो, डिस्चार्ज वाला फॉर्म भरे,
और हम घर जाएं बहुत टाइम लग रहा है, सर में दर्द उठ रहा है, मेरा चेहरा भी उतरा हुआ है, सुबह मेरी तबीयत भी खराब हो रही थी, अजीब सा हो रहा था, मुझसे सुबह उठा नहीं जा रहा था, आंखें मेरी छोटी छोटी हो रही हैं, अजीब सा हो रहा, बस बच्चों की जैसे जैसे ऑनलाइन क्लास ली, झाड़ू पोछा लगाए, कपड़े धोए, और अब यहाँ के जो कंबल है मेरी समझ में नहीं आ रहा, मैं खुद धोऊंगी या ड्राई क्लीन कराऊंगी खुद, क्योंकि वॉशिंग मशीन में धोना बड़ा मुश्किल होता है कंबल को, या तो फिर आंगन जो बाहर पोर्शन है वहाँ फैला करके जमीन में रगड़ना पड़ेगा ब्रश से, फिर सूखना मुश्किल हो जाएगा, समझ नहीं आ रहा। अभी तो खैर मैं बाहर ही डाल दूंगी धूप में सुखाने के लिए, जिससे कि अच्छे ढंग से अगर जब्स वगैरह ना हो वो ख़त्म हो जाए। बच्चों का कितनी बार बीबीसी आ गई है कि नानी कब आ रही है, हिमादी कॉल करती है नानी कब आ रही है, मुझे पिज्ज़ा खाना, आज फिर पिज्ज़ा का सुर चढ़ गया है, हफ्ते में एक बार से सुर चढ़ जाता है, पिज्ज़ा खाना है पिज्ज़ा खाना है, तो अब पता नहीं कब घर जाते हैं, बस जल्दी से अब घर जाने का मन कर रहा है। मम्मी का चाय पीने का मन कर रहा था तो मैं चाय ले आई हूँ, तो मैंने कहा चलो हॉस्पिटल की चाय पी ली जाए, फिर उसके बाद हम पियेंगे घर की चाय, और ये जो अमाउंट है यहाँ का सबमिट करने चले गए हैं, डिस्चार्ज का जो पेपर तैयार लगभग हो गया है, उन्होंने कहा मैं पेमेंट कर देता हूँ उसके बाद, अब देखिए कितना समय लगता है, हर चीज़ में टाइम तो बहुत लग जाता है। मैंने वैसे पैकिंग कर ली है, सामान पैक कर लिया, एक दो चीज़ें छूटी हैं, सैनिटाइज़र वगैरह, मैंने कहा वो लास्ट में कर लूँगी, और देखते हैं कितना टाइम लगता है, चार मुझे लग रहा है 4 बजे जाना है घर पहुँचते पहुँचते। अब हम बैठ गए हैं कार में और चल दिए हैं घर की ओर। आज अच्छा सा लग रहा है, मम्मी घर आ गई हैं, ऑक्सीजन भी ठीक चल रही है, ऑक्सीजन पे ही मम्मी को रखा है, लेकिन बहुत सुकून मिल रहा है। मम्मी कह रही आज इतने दिनों बाद मुझे फ्रेश हवा मिली है, वरना कमरे में बंद बंद सा फील हो रहा था, लेकिन आज मम्मी अच्छा सा फील कर रही है, कह रही अपना घर अपना ही होता है। अब चाहे रिकवरी में तो टाइम लगेगा ही, और डॉक्टर ने कोई प्रॉब्लम हो तो फ़ोन कर दीजिएगा, बताती रहिएगा कि क्या मतलब कंडीशन है, 5 दिन की दवाइयाँ मिली हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ मम्मी। अब मैं चाय बनाने किचन में आ गई हूँ, क्योंकि मम्मी का चाय पीने का मन कर रहा था और मेरा भी कर रहा था, तो मैंने कहा चलो चाय बना दी जाए और थोड़ी थोड़ी चाय हम लोग पी लेंगे। अब हम सब पी रहे हैं चाय। अब हो गया है खाने का टाइम, मम्मी और मैं बच्चों को खाना खिला रही हूँ और साथ में खुद भी खा रही हूँ। मम्मी घर आ गई है, बहुत अच्छा लग रहा है, मम्मी को भी बहुत रिलैक्स फील हो रहा है, वीकनेस तो बहुत है मम्मी को, लेकिन फिर भी मम्मी कह रही है हॉस्पिटल में बड़ा अजीब सा लग रहा था, आज मुझे फ्री फ्री सा बहुत अच्छा लग रहा है, बस अभी खाना खिला दिया है, हम लोगों ने भी खाना खा लिया है, बच्चों को भी खिला दिया है, बस मेरे हस्बैंड ने नहीं खाया है क्योंकि वो किसी से बात कर रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ मैं अपने व्लॉग का एंड कर रही हूँ, मेरा व्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा कीजिए, जो न्यू आते हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करे बिना मत जाया कीजिए, तो और आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद, आप लोगों की दुआओं की वजह से ही मेरी माँ घर आई है, वरना इस बार तो मैं बहुत ही होपलेस हो गई थी, मुझे हो रहा था पता नहीं मेरी माँ वापस आएगी नहीं आएगी, बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय एंड नमस्कार।